मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर अनु मैम, ये दिख रहा है जो मैंने खोली हुई वेबसाइट इन दी? बिल्कुल, यस हाँ मैम जी, दिखाई दे ठीक रहा है ठीक है है। सर। LIOS हिंदी लेसन प्लान दिख हाँ रहा है। जी हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून। मैम आज हाँ जी, आज हम गुड आप, आफ्टरनून मैम, हाँ जी गुड गुड आफ्टरनून, आज हम आपका जो हिंदी पाठ योजना है, लेसन प्लानिंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको इसके सारे जो स्टेप्स थे वो समझाए थे, और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे लेसन प्लान है वो गद्य शिक्षण के लिए अलग होता है, कविता के लिए अलग हमारा पैटर्न है, व्याकरण के लिए अलग, और रचना शिक्षण के लिए अलग पैटर्न होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लेसन प्लानिंग करते कैसे हैं, उसमें कैसे हमने कॉलम बनाने हैं, वो सारी प्लानिंग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ इसका। हाँ जी, तो पाठ योजना, जैसे कि आप कोई भी लेसन प्लान बनाएंगे, सबसे पहले आप उसके ऊपर पाठ योजना, जो भी आपका फर्स्ट डे सेकंड डे वो आप लिख सकते हैं। फिर आप अपना नाम, कक्षा, अपने स्कूल का, कॉलेज का, जहाँ पे आपने लेसन पढ़ाना है, कक्षा कौन सी क्लास का आप लेसन ले रहे हो, 7th का, 6th का, 8th का, किसी भी क्लास का। विषय जो है आपका वो आपका हिंदी आएगा। प्रकरण मतलब विषय वस्तु, कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, जैसे आप व्याकरण में संज्ञा पढ़ा रहे हैं, दिवाली पढ़ा रहे हैं, या गद्य शिक्षण में किसी की जीवनी पढ़ा रहे हैं, तो आप उस विषय वस्तु को यहाँ पे लिखेंगे। दिनांक जो आपकी डेट है माधवी अभी। मैम, हाँ जी हाँ माधवी मैम, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, ये ना हाँ मैं जी रिक्वेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को कि वो एक तो नोट डाउन करें ये सारी चीजें जो वो हाँ मैम बता जी रहे हैं, और दूसरा जी मैम थोड़ा धीरे धीरे बताइए कि ये ना लिख लें सारा कुछ। ठीक मैम, ये तो जस्ट ऐसे ही है, आगे मैं उनको हाँ डिटेल जी में जब बताऊँ तो हाँ स्लोली जी बताऊँ। हाँ, मैंने कल इनको मतलब सारी, मेरा मेन, हाँ जी जी मेरा मेन मकसद है कि ये लोग नोट भी कर लें मैम साथ में। ठीक है मैम, ठीक ठीक है है जी, ठीक ठीक है है ओके। ओके, हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब। जी, नो नो इश्यूज मैम, नो इश्यूज। हाँ जी, तो हमने अभी तक बताया कि आप अपने कक्षा, विषय, आपका विषय वस्तु, आपके दिनांक और अवधि, मीन्स आप कितने टाइम की क्लास ले रहे हैं, 30 मिनट्स की, 40 मिनट्स की, वो आप लिखेंगे। उसके बाद कल मैंने आपको बताया था सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो हमारे हिंदी से संबंधित हैं, जो हम हिंदी क्यों सिखाना चाहते हैं, बच्चों को हिंदी पढ़नी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, शुद्ध हिंदी लिखनी आनी चाहिए, और वो अच्छे से हिंदी को समझ सके, ये हमारे सारे सामान्य उद्देश्य आएंगे। ये अभी जस्ट मैं लेसन का आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ, आपको फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट लेसन प्लानिंग बताऊंगी कैसे करनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट मैंने आपको बताया था, जो पर्टिकुलर आप एक टॉपिक करवाते हो, आपका कविता पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, किसी कविता में उद्देश्य हो सकता है आपको परोपकार की भावना सिखाना, किसी में प्यार कैसे करना है, किसी को आज़ादी चाहिए पक्षियों को, कोई भी आपका विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है कविता में। फिर आपका गद्य शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है कि आप बच्चों को किसी की जीवनी के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। आप त्योहार के बारे में पढ़ा रहे हैं रचना शिक्षण में, तो आप त्योहार के बारे में बताना चाहते हैं बच्चों को और उसको कैसे मनाया जाता है, वो उसका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। व्याकरण में जैसे हम बता सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य क्या हुआ, भी संज्ञा और उसके भेदों के बारे में आप उनको विशेष जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है। मैम उसके बाद मैंने कल आपको बताया था पूर्व ज्ञान। बताना हाँ जी बेटे चाहूंगी, बताइए। ये फॉर्मेट जो है सभी के लिए एक ही रहेगा या अलग अलग होगा सबके लिए, हाँ जी, जैसे रचना सबके के लिए लिए अभी अलग तक होगा, सेम कविता है। के लिए? नहीं, सबके लिए फॉर्मेट सेम है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें हर एक लेसन प्लान में आपने तैयारी कैसे करनी है। ये तो जस्ट एक लेसन प्लान का फॉर्मेट है, वो मैं आपको इसके सारे, बताऊंगी, अच्छा ठीक है। सारे गद्य हो या पद्य हो या रचना हो, इसी इसी फॉर्मेट पे हाँ, बनेंगे? सब में सेम इसी फॉर्मेट में बनाना है आपने, ठीक ठीक है। है हाँ नेक्स्ट हमारा है पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण। कल हमने पढ़ा था पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण, जो आप टॉपिक बच्चों को करवाना चाहते हैं, विषय वस्तु बच्चों को करवाना चाहते हैं, उसके लिए पहले से आप अनुमान लगा के चलते हैं कि बच्चों को ये चीज़ आती होगी। जैसे हमने कल दिवाली का किया था, तो हम मान के चलते हैं कि बच्चों को दिवाली के त्योहार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है।
अब यहाँ पे मैंने तो कल आपको सहायक सामग्री में विशिष्ट और सामान्य सहायक सामग्री बताई थी। इसमें आप लिख सकते हैं फ्लैश कार्ड, आपका कोई मॉडल है, आपकी कोई पीपीटी है, वो सारी चीज़ें सहायक सामग्री आप लेसन पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग में लाएंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कल बात करी थी पीके टेस्टिंग, पीके जो प्रस्तावना भी हम उसको कह सकते हैं। इसमें टीचर क्या कर सकते हैं, टीचर बच्चों को प्रश्न पूछ के, बच्चों को कोई स्टोरी सुना के, बच्चों को कोई छोटी सी कोई इंसिडेंट बता के, घटना बता के बच्चों से कोई प्रश्न पूछ सकता है, जिससे कि हम वहाँ तक वैसे प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चों को ये पता चलेगा कि हमने आज का टॉपिक क्या करना है। जैसे मैंने कल आपको दिवाली की एग्जाम्पल दी थी कि जैसे हम फर्स्ट प्रश्न पूछेंगे कि भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, छात्र क्रिया में आप लिख सकते हैं भी कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है, भी छात्र क्या उत्तर देंगे। दूसरा हम उत्तर प्रश्न लिख सकते हैं कि आपको कौन सा त्यौहार पसंद है, छात्र अपना अपने त्यौहार का उत्तर दे सकते हैं, होली, दिवाली, लोहड़ी, कोई भी दे सकते हैं। थर्ड प्रश्न में आप पूछ सकते हैं दशहरा से 20 दिन पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो मोस्ट प्रोबली जो बच्चे उत्तर देंगे वो उत्तर देंगे दिवाली। अगर वो दिवाली उत्तर देते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं देते तो भी हम क्या करेंगे, हम आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे उद्देश्य कथन में कि आज का जो हमारा विषय है, उपविषय है, वो दिवाली है। उद्देश्य कथन में आप उस टॉपिक का बताते हो कि हम ये वाला टॉपिक आपको आज पढ़ाएंगे, आज मैं आपको दिवाली के बारे में बताऊंगी और दिवाली के संबंध में हम सीखेंगे कि दिवाली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे कि आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने 5 कॉलम बनाने हैं। मैं आपको व्याकरण का जब लेसन प्लान कराऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 5 आपने लेसन प्लान बताने बनाने 4 कॉलम बनाने हैं। एक में आपका विषय वस्तु आ जाता है, विषय वस्तु के बाद आपका शिक्षण अधिगम आ जाता है, फिर आपकी सहायक सामग्री आ जाती है, फिर आपका शाम पटकारे आ जाता है, ठीक है। तो अब हमने जो सारे नॉर्मल एक लेसन प्लान है, चाहे वो कविता का है, चाहे गद्य का है, चाहे व्याकरण का, चाहे रचना शिक्षण, तो हम सबके लिए सेम जो हमारा पैटर्न है वो फॉलो करेंगे लेसन प्लान बनाने के लिए। तो अभी मैं आपको एक कविता और गद्य शिक्षण, इन दोनों का जो लेसन प्लान है वो सेम बनता है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको चलो व्याकरण का करवाना चाहूँगी ताकि आपको इसके कॉलम क्लियर हो जाए। मैं अभी इसको क्लोज करके मैं आपको व्याकरण का दिखाना चाहूंगी, रुकिए। हाँ जी, आपको ये दिखाई दे रहा है? अब इसको मुझे इसको मुझे घुमाना तो नहीं आएगा, मैं कैसे घुमा सकती हूँ, आप अपना फोन घुमा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने 5 कॉलम बनाए हुए हैं। जब हम प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे तो आपने ऐसे ही 4 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट में आप विषय वस्तु लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है संज्ञा, आप यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसकी उदाहरणें लिखेंगे, फिर संज्ञा के प्रकार कराएंगे। अब आप एक टीचर हो तो आपको पता है कि जो हम व्याकरण करवाना है, संज्ञा करवाना है, कल मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम 2 विधियों का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, कोई बता सकते हैं आप मुझे? हाँ जी स्टूडेंट, कल हमने करा, हाँ जी, व्याकरण पढ़ने के 2 विधि थे, आगमन और निगमन विधि। हाँ जी, वेरी गुड, हमने बात करी थी कल आगमन विधि की और निगमन विधि की। आगमन विधि में हमने कहा था कि हम स्टूडेंट्स को पहले उदाहरणें बताएंगे और उदाहरणों से वो परिभाषा बनाएंगे, ठीक है, वो हमारी आगमन विधि थी। निगमन विधि में हमने बात करी थी कि हम पहले बच्चों को नियम बताएंगे और उसके बाद उसकी उदाहरणें बताएंगे। तो टीचर जो व्याकरण का लेसन प्लान बनाएगा उसमें वो कैसे बनाएगा, जैसे विषय वस्तु तो आप लिख लोगे, शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम, हाँ जी, मैं एक मिनट रुक सकता हूँ? हाँ जी मैम, अपनी जो जेपीजी फाइल है वो जो खुली हुई है ना मैम, ऊपर जो फ्रंट में जो ये दिल का निशान है ना मैम, इसके साथ जो ये एक निशान है ना मैम घुमाने वाला, इस पे क्लिक करके देखेंगे मैम? इस पे? यस मैम। ओके, एक बार और करें मैम, एक बार, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
हाँ जी, तो इसमें हमने देखा कि संज्ञा, संज्ञा में शिक्षण अधिगम, एक सेकंड प्लीज होल्ड करिए। हाँ जी, शिक्षण अधिगम में हम देखेंगे कि छात्र अध्यापिका जो टीचर है और छात्रों की क्या क्रियाएं होती हैं, क्या करता है अध्यापक, क्या करता है और हमारा जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं। सहायक सामग्री में हमने जैसे बात करी कि हम फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, हम मॉडल यूज कर सकते हैं, पीपीटी यूज कर सकते हैं, श्यामपट्ट कार्य पे टीचर क्या काम करता है वो सब कुछ हम लिखेंगे। तो फर्स्ट हमने बच्चों को संख्या की परिभाषा सिखानी है, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि उसमें हमने उदाहरणें क्या करी है, ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है, आप देख रहे हैं श्यामपट्ट कार्य पे उदाहरणें लिखी हुई है। मेरा नाम यस राम मैम, है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे आम पसंद है, आम में मिठास होती है। आपने जब श्यामपट्ट पे ये लिखी तो छात्र अध्यापिका और छात्र क्या करेंगे, देखिए मैंने शिक्षण अधिगम में लिखा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं। छात्र अध्यापिका छात्रों को उदाहरणें पढ़ते हुए रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़ने के लिए कहेगी। तो पहली चीज, छात्र अध्यापिका बच्चों को ये सारी उदाहरणें पढ़ने के लिए कहेगी और इसमें जो रेखांकित शब्द है उनको पढ़ने के लिए कहेगी, ठीक है। तो अब छात्र क्या करेंगे, छात्र इन उदाहरणों को पढ़ेंगे। तो मैंने अगली लाइन लिखी है, छात्र श्यामपट्ट से उदाहरणें पढ़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया आपको, जो एक्टिविटी टीचर यस ने मैम, या बच्चे ने करनी है वही हमने शिक्षण अधिगम में करनी है। उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद छात्र अध्यापिका छात्रों को रेखांकित शब्दों से संज्ञा की परिभाषा बनाने के लिए कहेगी। अब उसका काम क्या है कि छात्रों ने इन्हीं उदाहरणों की मदद से क्या करना है, परिभाषा बनानी है। तो बच्चे क्या करेंगे, परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, टीचर ने पहले उदाहरणें दी, बच्चों ने उदाहरणों को पढ़ा, टीचर ने उनको ही खुद ही कहा कि आप परिभाषा बनाओ, बच्चों ने कोशिश की। जब बच्चे परिभाषा बताएंगे वो 100% ठीक नहीं हो सकती, हो सकता है 30% ठीक हो, 40% ठीक हो, तो फिर टीचर की क्या ड्यूटी बनती है कि जो परिभाषा बनी गई है उसको वो अच्छे से बच्चों को दोबारा से क्या करे, एक्सप्लेन करे। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए क्या कर सकता है, फ्लैश कार्ड, आपकी पीपीटी, आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं एज ए टीचिंग एड वो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फ्लैश कार्ड लिखा है तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि फ्लैश कार्ड, जो मैंने फर्स्ट फ्लैश कार्ड बनाया है ना, इसकी जगह आप यहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे मैं बोलूँगी कि फ्लैश कार्ड की मदद से संज्ञा की परिभाषा और उदाहरणें बताएगी, ठीक है। मैंने लिखा है ना, छात्र अध्यापिका फ्लैश कार्ड की मदद से संज्ञा की परिभाषा बताएगी और उदाहरणें बताएगी। तो मैं इस फ्लैश कार्ड में संज्ञा की परिभाषा और उसकी सारी उदाहरणें क्या है लिख दूंगी, ताकि बच्चों को मैं फ्लैश कार्ड की मदद से उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। हाँ जी, क्लियर? हाँ जी यस स्टूडेंट्स, मैम, क्लियर? हाँ जी। तो अभी तक हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया, आगमन विधि का प्रयोग किया, जिसमें हमने बच्चों को पहले उदाहरणें सिखाई, उदाहरणें दिखाने के बाद उनको परिभाषा बनाने के लिए कहा, फिर टीचर ने उसी परिभाषा को उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा से फ्लैश कार्ड की मदद से उनको परिभाषा को एक्सप्लेन किया। अब देखिए बच्चों को संज्ञा की जब परिभाषा पता चल गई, जब आप उसके प्रकार करवाओगे, संज्ञा की टाइप्स करवाओगे, तो उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप आगमन विधि का प्रयोग करो। आप बच्चों को जब संज्ञा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप सीधा यहाँ पे कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हो, निगमन विधि का, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट मैंने लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में टीचर क्या करेगी, सीधा ही उनको परिभाषा बताएगी। तो मैंने क्या लिखा है, छात्र अध्यापिका छात्रों को फ्लैश कार्ड की मदद से व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताएगी और उनसे उदाहरणें पूछेगी। देखिए क्या दो काम हुए, टीचर ने फ्लैश कार्ड की मदद से व्यक्तिगत संज्ञा की परिभाषा बताई, तो मैंने एक फ्लैश कार्ड उसके सामने बना दिया जिसमें मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। हाँ जी, ठीक है जी। फिर मैंने लिखा और उदाहरणें पूछेगी, उदाहरणें पूछेगी का क्या मतलब है, और मैंने श्यामपट्ट कार्य पे क्या लिखा है, उदाहरणें लिख दी भी, बच्चों ने ये उत्तर दिया,
मैं इसको भी आगे आपको और एक पेज और दिखाना चाहूंगी, एक मिनट रुकिए, जिसमें कॉन्टिन्यूशन में है उसकी। तो हमने वहां पे क्या लिखा था, विषयाध्यापिका छात्रों को रेखांकित शब्द सॉरी उनको फ्लैश कार्ड की मदद से व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताएगी। हमने सहायक सामग्री में फ्लैश कार्ड बना दिया था और उसपे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिख दी, ठीक है। और उदाहरणें पूछेगी, किनसे उदाहरणें पूछेगी, छात्रों से। तो इसमें मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, छात्र उदाहरणें बताने की कोशिश करेंगे और छात्र अध्यापिका उन्हीं जो उदाहरणें हैं उन्हें श्याम पट पर लिखेगी। हाँ जी क्लियर है ये, हाँ जी। सेकंड स्टेप क्लियर है निगमन विधि का। यस हमने मैम, पहले जी बच्चों को फ्लैश कार्ड की मदद से आपको मैंने नियम समझाया भी फ्लैश कार्ड की मदद से, फिर बच्चों से जो उदाहरणें पूछी वो श्याम पट पर लिखी, और मैंने शिक्षण अधिगम में ये तीनों चीजें एक्सप्लेन करी कि टीचर फ्लैश कार्ड की मदद से परिभाषा बताएगा, फिर बच्चों से उदाहरणें पूछेगा, छात्रों का क्या काम था उन्होंने उदाहरणें बताने की कोशिश करेगी करेंगे, और टीचर फिर उन्हीं उदाहरणों को कहाँ पे लिखेगा, श्याम पट पे। हाँ जी यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो उस जी yes. हाँ जी उसके बाद हम देखेंगे भी, अब हमने ये सारा जो आप दूसरी टाइप इसकी जो तीसरी टाइप है वो सारी आप इसकी जो टाइप्स हैं वो सारी आप इसमें एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है, व्याकरण में। तो उसके बाद जब आपने ये सारा टॉपिक करवा दिया, टॉपिक करवाने के बाद आप देखेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है मूल्यांकन, जो कल मैंने आपको बताया था रिकैप्चुलेशन, ठीक है। मूल्यांकन में आपने जो टॉपिक करवाया होएगा वो आपने क्या करना है, उसके संबंधित आपने प्रश्न पूछने हैं। जैसे अभी हमने संज्ञा की है तो यहाँ मैं सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं जिसका आंसर सिर्फ एक दो वर्ड्स में हो। जैसे मैं पूछ सकती हूँ संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चे उत्तर दे सकते हैं तीन, ठीक है। सिर्फ ये पूछ सकती हूँ कि हाँ जी आप ये बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा की सिर्फ क्या बता दो आप मुझे, उदाहरणें बता दो, ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे आप प्रश्न या फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हो किसी भी लेसन में। और लास्ट में आप उसका क्या बताओगी, गृह कार्य भी आप घर से संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के क्या कहते हैं प्रकार लिख के घर से लाएंगे, ये आपका क्या हो गया, गृह कार्य। हाँ जी ये व्याकरण का लेसन क्लियर हो गया अब आपको। अब मैं आपको ये एक कविता का लेसन प्लान मेरे पास है जिसमें कविता का जो लेसन प्लान है कैसे हम बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे फर्स्ट हमने कहा था अभी छात्र अध्यापिका का नाम, ठीक है। आप जो ऊपर वेबसाइट शो हो रही है आपके पास, वेबसाइट hindi.com, हाँ जी स्टूडेंट्स, हो रही है मैम। हाँ जी, तो यस आप इसी मैम, वेबसाइट के थ्रू ये देख सकते हैं लेसन प्लान। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बट आप इसको कॉपी कर लो, नोट कर लो, ताकि आप इस पे ये लेसन प्लान दोबारा देख सको, ठीक है। ये कभी भी अवेलेबल है इस वेबसाइट हाँ पे? जी कभी भी अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये। ओके मैम, देख लेंगे। हाँ जी मैंने नेट से ही उठाया है, आपको कहीं पे भी कोई डाउट हुआ तो आप ये वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो लेसन प्लान है वो कविता का लेसन प्लान बताना चाहूंगी। जैसे इसमें आपने देखा भी पहले हमने टीचर का नाम लिखा, विद्यालय का नाम लिखा, कक्षा, विषय, आपका टॉपिक क्या है, मन करता है, क्लास वही कक्षा, दिनांक होगी, अवधि होगी। फिर आपके देखिए सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, आप सिर्फ हिंदी के बारे में हमारे उद्देश्य, बच्चों को इस पाठ के प्रति रुचि जागृत कर होना, बच्चों को अच्छे स्वर और भाव से हिंदी पढ़ने का की भावना का जगाना, मीन्स आप हिंदी की बात कर रहे हो अभी, मनोरंजन पाठ पढ़कर पढ़ने और समझने की आदत पैदा करना। तो ये सारे जो हमारे सामान्य उद्देश्य हैं ये सिर्फ किससे संबंधित है, हमारे हिंदी से, ठीक है। फिर हमारा विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य हमारा किससे संबंधित होएगा, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्या है, मन करता है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा विशिष्ट उद्देश्य क्या हुआ, बच्चे मन में क्या सोचते हैं पाठ के बारे में जानना, कि बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये पाठ है ये हमें क्या बताना चाहता है। हाँ जी क्लियर है आपको। फिर हमने आगे देखा पूर्व ज्ञान, हम मान के चलते हैं भी मन में क्या सोचते हैं इसके बारे में बच्चों को थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी वो रखते हैं।
नेक्स्ट हमारी है सहायक सामग्री, आप क्या किस चीज़ का प्रयोग करोगे। बच्चों से जुड़ी हमारे आसपास के चित्रों वाले चार्ट या किताब, आप ये जब कविता करवाओगे तो कविता में आपकी कोई पिक्चर हो सकती है, आप उससे संबंधित कोई चार्ट बना सकते हो, आप कोई उससे संबंधित पीपीटी बना सकते हो, तो वो आप सहायक सामग्री यहाँ पे लिखेंगे कि मैं इस चीज़ का क्या करना चाहती हूँ, प्रयोग करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना हमने क्या कहा था, पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग का मतलब कि हम जानना चाहते हैं कि बच्चों को इस टॉपिक के संबंधित कितनी नॉलेज है। फर्स्ट जैसे प्रश्न पूछा, बच्चों आप क्या बनना चाहते हैं, कोई भी बच्चा कोई भी उत्तर दे सकता है। मीठे मीठे बोल कौन सुनती है, कोयल। आकाश में कौन उड़ती है, तितली। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, समस्यात्मक, मतलब इसका कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। तो जो हम बड़े होकर बनना चाहते हैं वो हमारे कहाँ है, मन में है। तो हमारा सीधा संबंध जो लास्ट क्वेश्चन का होएगा वो हमारे टॉपिक से होएगा। तो टीचर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो आपके मन में क्या है वो आप हमें बताइए। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, दे भी पाएंगे तो वो रेलेवेंट उत्तर नहीं होगा कह सकते हैं। तो यहीं पे हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, उद्देश्य कथन। बच्चे का मन क्या करता है, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मन क्या करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में मैंने आपको चार कॉलम बनवाए हैं, विषय वस्तु, शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री, श्याम पट कार्य। तो जो ये सारी प्रस्तुतिकरण में कविता लिखी हुई है ये सारी आपकी आ जाएगी विषय वस्तु में, ठीक है। ये सारी विषय वस्तु में कविता आप लिख देंगे। फिर जो आपका है शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम में यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले अनुकरण वाचन कहा हुआ है, बट इससे पहले आप लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप में पढ़ना। तो टीचर सबसे पहले कविता को आदर्श रूप में बच्चों को शुद्ध रूप में पढ़ के सुनाएगी, ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझें, वर्ड्स को कैसे बोलना है, शब्दों को कैसे बोलना है वो सुने। फिर दूसरा स्टेप आएगा हमारा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का मतलब क्या है, नकल करके पढ़ना। अब टीचर ने जैसे आदर्श वाचन में शुद्ध करके पढ़ाया, बच्चे अब उस कविता को क्या करेंगे, उस कविता को बच्चे पढ़ेंगे। तो टीचर ये भी हो सकता है भी पूरी कविता एक बच्चे से पढ़ा ले, टीचर ये भी कर सकती है भी एक एक पैरा 5-7 बच्चों से पढ़ा ले, टीचर एक एक लाइन भी पढ़ा सकती है। उसका ये करवाने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ताकि बच्चे हिंदी शुद्ध रूप में पढ़ना सीख सकें। हाँ जी, हमने पहला स्टेप किया आदर्श वाचन, आदर्श में टीचर शुद्ध रूप में पढ़ के सुनाएगी। दूसरा हमने करा अनुकरण वाचन। मैं आपको ये सारे जो लेसन प्लान है ना बना के मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी, अनुकरण वाचन में टीचर क्या करेगी, बच्चों से लेसन को जो जो कविता है हमारी वो पढ़ाएगी। फिर क्या है, कविता पढ़ाने के बाद, सारी कविता पढ़ने के बाद टीचर उनसे प्रश्न उत्तर पूछ सकती है भी, जो ये कविता है बच्चे का मन क्या करता है, बच्चे उड़ना पसंद क्यों करते हैं, छात्र किस खेल को, ये टीचर इनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकती है जो कविता उनको उन्होंने अभी रीड करी है। तो कविता रीड करने के बाद टीचर क्या करेगी, जो इस कविता के कठिन शब्द हैं उन सब के जो कठिन शब्दों के अर्थ है वो बताएगी, ठीक है। फिर कठिन के शब्द अर्थ बताने के बाद नेक्स्ट जो इसमें स्टेप ऐड करना चाहिए था वो आना चाहिए था कविता की व्याख्या। टीचर बच्चों को कविता की क्या कराएगी, व्याख्या करवाएगी। फिर केंद्रीय भाव बताएगी। फिर श्याम पट कार्य। श्याम पट कार्य ये हम पहले ही कर चुके हैं, इसको छोड़ दो आप। फिर आपका मूल्यांकन, रिकैप्चुलेशन। देन आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आप दे सकते हैं कि बच्चे घर से केंद्रीय भाव लिखकर लेकर आएंगे। तो अब मैं आपको एक बार दोबारा ये बताना चाहूंगी भी, जो हमारा विषय वस्तु है, जो हमारा प्रस्तुतिकरण है, उसमें आप सारी कविता विषय वस्तु में लिखेंगे, और जो आपका शिक्षण अधिगम है उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका फर्स्ट स्टेप होगा आदर्श वाचन, जिसमें आप लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका बच्चों को शुद्ध रूप में कविता पढ़कर सुनाएगी, और छात्र क्या करेंगे, उस कविता को सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। फिर टीचर प्रश्न पूछेगी। फिर कठिन शब्दों का निवारण, कठिन शब्दों के जो अर्थ है टीचर बच्चों को बताएगी और श्यामपट पर लिखेगी,
टीचर कठिन शब्दों के अर्थ बच्चों को बताएगी और वो जो शब्द हैं वो सारे श्यामपट पर लिखेगी और बच्चों को श्यामपट से वो सारे कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहेगी। तो यहाँ पे आप शिक्षण अधिगम में देखो तीन चीजें की। फर्स्ट, टीचर छात्र अध्यापिका बच्चों को शब्दों के अर्थ बताएगी और श्यामपट पर लिखेगी। दूसरी चीज, छात्र ध्यान से क्या कहते हैं श्यामपट से शब्दों को देखेंगे, शब्दों के अर्थ देखेंगे और छात्र अध्यापिका उनको वो शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने के लिए कहेगी और छात्र उन सभी शब्दों के अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो जब आप ये शिक्षण अधिगम लिखेंगे तो वहां पे जहाँ इसके सामने जो आपका श्यामपट वाला कॉलम बनेगा जो आपका, तो वहां पे आप इन शब्दों के अर्थ श्यामपट पर लिख देंगे कि हमने ये श्यामपट का यहाँ पे क्या किया है, प्रयोग किया है। उसके बाद हमने क्या कहा था, इसकी व्याख्या, अगला जो मेन हेडिंग बनाना है वो आपने बनाना है व्याख्या। तो आप लिखेंगे कि कविता का जो ये ए फर्स्ट पैरा है उसकी जो व्याख्या है कविता की, वो जो टीचर है पीपीटी के द्वारा हमें बताएगी। पीपीटी क्या हुई, हमारी सहायक सामग्री, हमारा फ्लैश कार्ड भी हो सकता है। तो टीचर कविता की जो पहली चार लाइनें हैं उसकी व्याख्या हमें फ्लैश कार्ड की मदद से पढ़ाएगी और बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। तो जब आपने ये लिखा शिक्षण अधिगम में भी उसकी पहले पैरे की व्याख्या, चार लाइनों की व्याख्या टीचर फ्लैश कार्ड से बताएगी और छात्र ध्यान से सुनेंगे, तो आपने सहायक सामग्री वाले कॉलम में एक फ्लैश कार्ड बना देना है जिसमें उस कविता की चार लाइनों की क्या हो, व्याख्या। हाँ जी, क्लियर है ये आपको? हाँ जी स्टूडेंट्स, जी मैम। जी मैम, हाँ जी। तो जी जैसे मान के चलते हैं कि हमारी कविता में चार पैराज हैं, तो फर्स्ट पैरे की बात करी, ऐसे फिर आप सेकंड पैरे के बारे में लिखोगे भी, अगली चार लाइनों के बारे में टीचर एक्सप्लेन करेगी फ्लैश कार्ड से और उसके सामने सहायक सामग्री में आप फ्लैश कार्ड बना दोगे, ऐसे तीसरे के लिए, ऐसे चौथे के लिए। ठीक है, फिर आप लिखेंगे मेन हेडिंग केंद्रीय भाव। तो अब आप बताएंगे भी टीचर बच्चों से केंद्रीय भाव बताने के लिए कहेगी और छात्र केंद्रीय भाव बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा जो ये कॉलम्स वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है, फिर हमारा अगला काम शुरू हो जाता है मूल्यांकन। तो अब कविता से संबंधित कोई भी आप तीन चार प्रश्न या फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है, किस बच्चे ने कौन सा चित्र बनाया उसे देखना, मीठे मीठे बोल किसने बोला जानना। तो ये आपने बच्चों से पूछा क्लास में, ये आपकी रिकैप्चुलेशन है कि आपका जो लेसन है बच्चों को कितना समझ आया। ठीक है, फिर आपने गृह कार्य, गृह कार्य में इन्होंने प्रश्न दिए हैं या इस पाठ से एक पंक्तियाँ याद करना, आप लिख सकते हैं भी आप कविता का जो है लेसन केंद्रीय भाव घर से लिख कर लेके आना। तो आपने जैसे ये कविता का हमने लेसन प्लान किया है, ऐसे सेम हमारा जो लेसन प्लान है वो गद्य शिक्षण का बनता है। तो उसमें भी आप सेम स्टेप्स फॉलो करोगे, वैसे जो मैंने आपको चार कॉलम बना के बताए हैं, विषय वस्तु, शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री, श्यामपट कार्य। अब हमारा जो, एक्चुअली हाँ जी हाँ मैम, दुष्यंत कुमार शर्मा बोल रहा हूँ मैम। जी, मैम इसमें अनुकरण वाचन नहीं हुआ। अनुकरण वाचन बेटे हो गया। आप देखिए ना, मैंने जब कविता खत्म हुई तो इन्होंने सबसे पहले अनुकरण वाचन बताया है, पर इससे पहले आपने आदर्श वाचन लिखना है, हेडिंग। जी मैम, आदर्श वाचन का मतलब क्या है भी, टीचर शुद्ध रूप से बच्चों को पढ़ के सुनाएगी। जी मैम, अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करके पढ़ना। तो दूसरा जी स्टेप क्या होगा भी, कविता को बच्चे उसको पढ़ेंगे। तो वो टीचर की मर्जी है भी, वो एक एक बच्चे को पढ़ाती है, एक बच्चे से इकट्ठी कविता पढ़ाती है, तो आप उस टाइप से लिख देंगे। मैम, स्टेप्स में जब जाएंगे शिक्षण अधिगम के स्टेप्स में, तो पहले आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन, फिर कठिन हाँ शब्दों जी, का हाँ अर्थ जी, वाचन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर कठिन शब्दों के अर्थ के बाद आप लिखोगे व्याख्या, कविता की व्याख्या, फिर आपका जी अगला स्टेप होएगा केंद्रीय भाव, फिर आप जी सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, वो कॉलम वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर आप मूल्यांकन और फिर आप इसकी क्या कहते हैं गृह कार्य इनको देंगे। ठीक है, जी मैम,
राइट मैम, थैंक यू। हाँ जी, तो ये जो सेम पैटर्न कविता का है वही हमारे गद्य शिक्षण का है। कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण में। गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? जी मैम। हाँ जी बताइए मैम, गद्य में क्या होता है, जो कंटेंट आपके बुक में दिए होते हैं आप उससे आगे जी नहीं जा सकते, उसे कम नहीं कर सकते, आपको उसी जी में पढ़ाना होता है, उसी को समझाना होता है। लेकिन क्रिएटिव जी और रचना में क्या होता है कि हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें हम बिल्कुल अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि जो भी आती है, जो भी क्रिएट करता है माइंड, हम उसमें ऐड करके बच्चे उसमें उसमें 10 पेज हो या अपने, 5 पेज उसे लिख हाँ सकते हैं। बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से उसमें अपने जितने भी उनके दिमाग में विचार आ रहे हैं वो सारे लिख सकते हैं हमारी क्रिएटिव में, ठीक है ना, रचना शिक्षण में। तो जो हमारा गद्य शिक्षण है, जैसे कि कविता है वो हमारी बुक में होती है, तो जो गद्य शिक्षण है वो भी हमारी बुक में है, तो उसको पढ़ाने के सेम स्टेप्स हैं भी। टीचर देखो उसमें आदर्श वाचन कर सकते हैं, बच्चों से अनुकरण वाचन कराएगा, उससे क्या, अनुकरण वाचन का मतलब पूरा लेसन पढ़ाएगा, फिर उनसे बच्चों से क्या कहते हैं कठिन शब्दों के जो लेसन में हैं जो शब्द हैं वो बताएगा, ठीक है। फिर लेसन में लेसन का पर्पस क्या है, क्या लेसन के किस पैरे में क्या कहा गया वो बताएगा आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, जो पूरे उसका आपके लेसन का सार है, जहाँ पे हमने केंद्रीय भाव लिखा है हम वहां पे सार लिख सकते हैं, थोड़े शब्दों में एक लेसन का क्या सार है वो बताएगा, फिर वही आपका मूल्यांकन और गृह कार्य है। हाँ जी क्लियर है ये आपको? जी हाँ जी, आपको व्याकरण का मैंने बता दिया, आपको कविता का बता दिया, और मैंने आपको गद्य शिक्षण का बता दिया। अब हमारा जो लास्ट है वो है रचना शिक्षण। देखिए रचना शिक्षण में क्या है, मैं आपको दोबारा व्याकरण वाला ही लेसन प्लान खोल रही हूँ। मैं इसमें बताना चाहूंगी कि देखो पहले वाले स्टेप्स तो सेम ही है जो आप करते हैं, ठीक है, आपका वहां तक प्रस्तावना तक पीके टेस्टिंग तक आपके सारे स्टेप सेम है। जब हम प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे, हम ऐसे ही 4 कॉलम बना लेंगे, विषय वस्तु, शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री और श्याम पटकार, ये सारे लेसन प्लान में सेम बनाना है। अब हमने क्या है रचना शिक्षण करनी है। रचना शिक्षण का मतलब क्या है कि हम बच्चों को निबंध है चाहे वो कहानी है चाहे जो भी आप करवाना चाहते हैं, आप सिर्फ उसकी क्या दोगे, एक रूपरेखा। रूपरेखा देने का मतलब क्या है कि आप बच्चों को एक रूपरेखा देने के बाद आप बच्चों को कहोगे कि उस निबंध को उस कहानी को अपने शब्दों में लिखकर लेके आना है। तो हम यहाँ पे विषय वस्तु में क्या करेंगे, सपोज करो हम दिवाली का त्योहार कर रहे हैं तो पूरा दिवाली का त्योहार हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सहायक सामग्री में सपोज करो मैं फ्लैश कार्ड ही यूज कर रही हूँ, श्याम पट कार्य जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे श्याम पट का यूज करना है मैं वो यूज करूंगी। शिक्षण अधिगम जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रचना शिक्षण पढ़ाने के लिए टीचर क्या क्या एक्टिविटी करेगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टीचर क्या करेगी, वही पीके टेस्टिंग वगैरह पूछने के बाद जब अपने टॉपिक पे आ गई कि हम दिवाली करवाएंगे, तो टीचर क्या करेगी सबसे पहले उनको कहेगी कि मैं आपको इस दिवाली निबंध की रूपरेखा बताऊंगी, आपने उस रूपरेखा को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है। छात्र अध्यापिका छात्रों को दिवाली त्योहार की रूपरेखा बताएगी और छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहेगी। छात्र दिवाली त्योहार की रूपरेखा अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। हाँ जी यहाँ तक क्लियर है आपको? छात्र जी अध्याप हाँ जी, उसको कहा भी मैं रूपरेखा कराऊंगी और बच्चों को कहा भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो, और छात्रों का क्या काम है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखेंगे। अब अगला जो स्टेप है जो कि हमने देखना है भी कैसे कराना है, रूपरेखा कैसे बतानी है। सपोज हम यहाँ कहते हैं भी दिवाली त्योहार की बारे में बताना है, भी त्योहार दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इसे दीपों का त्योहार कहा जाता है, उसकी सपोज करो भूमिका बता रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, छात्र अध्यापिका छात्रों को दिवाली त्योहार की भूमिका बताएगी और छात्र उसको ध्यान से सुनेंगे और उसकी रूपरेखा अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। अब रूपरेखा का क्या मतलब है, रूपरेखा के लिए हमें जाना पड़ेगा श्याम पट पे, श्याम पट पे ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड पे आप क्या करोगे, शॉर्ट में लिख दोगे, जैसे दिवाली फिल इन दी ब्लैंक चाल के, कार्तिक मास की अमावस्या फिल इन दी ब्लैंक चाल के, दीपों का त्योहार, तो आपने शॉर्ट में लिख दिया उसको,
तो उससे क्या होएगा, बच्चों को घर जाके याद रहेगा कि दिवाली कार्तिक मास का मतलब क्या है। भी दिवाली का त्योहार कार्तिक मास को मनाया जाता है, इसे दीपों का त्योहार कहा जाता है, तो बच्चों को उससे क्लैरिटी हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं रूपरेखा। हाँ जी, रूपरेखा का मतलब समझ आ गया आपको? शॉर्ट में बताना, भी पूरा निबंध नहीं लिख देना ब्लैक बोर्ड पे, पूरा निबंध नहीं लिखना, उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो आपको लगता है कि बच्चे भूल सकते हैं, सिर्फ आप ब्लैक बोर्ड पे वही लिखोगे। जिस ऑर्डर में लिखना है उस ऑर्डर में आप बताओगे। जैसे पहले आप कार्तिक मास के बारे में बताया, फिर आपने दीपों के त्योहार के बारे में बताया, फिर आपने राम जी के बारे में बताया, अभी 14 साल का वनवास कट के आए, फिर आपने अगला बताया कि छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी इस दिन वापिस आए, तो उसी स्टेप्स में आप रूपरेखा ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। हर स्टेप पे आप यही कहोगे भी भूमिका के बारे में बताया। सेकंड स्टेप में आप लिख सकते हो भी छात्र पिका ने छात्रों को राम जी के वनवास से लौटने के बारे में फ्लैश कार्ड की मदद से बताया। तो अब आप क्या करोगे, सहायक सामग्री में क्या करोगे, फ्लैश कार्ड दिखाओगे और श्याम पट पे उसकी रूपरेखा लिखोगे। अब मैं आपको ये जो मैं आपको बता रही हूँ रचना शिक्षण का, एक बार दोबारा से बता रही हूँ। विषय वस्तु आपने सारा दिवाली का त्योहार एक कॉर्नर सारा विषय वस्तु के अंडर लिख लिया। सहायक सामग्री में मैं फ्लैश कार्ड यूज करूंगी, श्याम पट पे जो मुझे लगेगा मुझे काम करना है वो करूंगी, जिसमें मैं रूपरेखा लिखूंगी। शिक्षण अधिगम में मैं क्या है, जो मेरे टीचर और छात्रों की जो एक्टिविटीज है वो लिखूंगी। तो सबसे पहले छात्र अध्यापिका छात्रों को दिवाली निबंध की रूपरेखा बताएगी और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने के लिए कहेगी। क्लियर? तो आपने श्याम पट पे क्या करना है, दिवाली की भूमिका लिखनी है। भूमिका में क्या लिखेंगे हम, दिवाली डैश डाल के क्या लिखेंगे, कार्तिक मास, फिर डैश डाल के लिख देंगे दीपों का त्योहार। तो ये आपका बन गया उसका फर्स्ट भूमिका। अब मैं उनको सपोज करो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ भी कैसे करना है इसको, तो उसके बाद मैंने क्या करा, उनको बताया कि ऐसे करके जो दिवाली का त्योहार है, दिवाली का त्योहार की मैं पहले राम जी की बनवास, छात्र अध्यापिका छात्रों को राम जी के वनवास से लौटने के बारे में बताएगी और उसकी रूपरेखा श्याम पट पर लिखेगी। छात्र फ्लैश कार्ड को ध्यान से देखते हुए श्याम पट से उसकी दिवाली निबंध की रूपरेखा लिखेंगे। बस आपने बार बार यही लिखी जाना है। एक स्टेप लिखा आपने और साथ के साथ आपने दूसरा जो है अगला जब पाठ कराओगे उसमें ये लिख दोगे भी राम जी ने सॉरी छात्र अध्यापिका छात्रों को हरगोविंद सिंह जी के वापिस आने के बारे में फ्लैश कार्ड की मदद से बताएगी और उसके बारे में श्याम पट पर लिखेगी। छात्र फ्लैश कार्ड की मदद से उसको दिवाली निबंध की रूपरेखा को समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। हाँ जी, क्लियर है ये आपको? तो चाहे आपने कहानी करानी है, चाहे आपने निबंध कराना है, कोई भी जो चीज करवानी है वो आप अपना इस पे ऐसे करके आप इसका लेसन प्लान बना सकते हो। और आपको कोई कहीं पे भी डाउट है, मैं अभी आपको 2 मिनट में वो इसका जो रचना शिक्षण का है वो लेसन प्लान बना के फोटो डाल रही हूँ, आपको 5 मिनट वेट करिए। बाकी अभी आप इसके बाद फिर वही स्टेप्स हैं हमारे, कह सकते हैं उसके बाद आप रिकैप्चुलेशन करोगे, मूल्यांकन करोगे, फिर आप इसका गृह कार्य। ये 4 टाइप के लेसन है जो आप हिंदी शिक्षण में जिनका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। एक सेकेंड रुकिए। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ जी, आपको सारे चारों लेसन में डिफरेंस पता चल गया? हेलो जी मैम,
हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैम, लेसन प्लान बनाते समय चार ही कॉलम बनाने हैं या फिर आगे हाँ जी मूल्यांकन और गृह कार्य भी बनाना है आगे? वो तो मैंने अभी बताया आपको, पहले आपने शुरू से लिखना है, छात्र अध्यापिका का नाम, क्लास, सारा कुछ वैसे ही आने हैं सारे स्टेप्स जो हमने सबसे पहले लेसन प्लान में फॉर्मेटिंग देखी है। ये तो मैं सिर्फ आपको प्रस्तुतिकरण वाला पार्ट बता रही हूँ, आपने ओके सारे स्टेप्स सेम ही करने हैं। ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। मैम, लेसन प्लान की लिंक भेज दे, कमेंट बॉक्स में भेज देंगे तो अच्छा होगा। कौन सा बेटे, लेसन प्लान की लिंक, कौन सी लिंक? जो मैंने अभी भेजा था आपको, हाँ जो अभी ये एक हो। कविता करवा रही थी मैं आपको। हाँ जी मैं वो भेज दूंगी बेटे आपको, मैंने आपको बोला था उसको नोट डाउन करने के लिए, मैं अभी आपको दोबारा बता देती हूँ, उसको नोट डाउन कर लो। मैंने हाँ डाल मैम, दिया है वहां पे लिंक, अच्छा जी चैट मैम, बॉक्स सर में ने डाल ऑलरेडी दिया लिंक ऑलरेडी। है, चैट बॉक्स में चेक करें। ओके यस सर, मिल गई। ओके सर। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो अब आपको मैंने जो जितने भी लेसन प्लान बनाए बनाए बताए हैं, वो आप चारों चारों फॉर्मेट का अलग अलग से लेसन प्लान बनाएंगे। गद्य शिक्षण का अलग से, कविता का अलग से, व्याकरण का अलग से। ठीक है, एक सेकेंड बस, जस्ट 1 मिनट। ये मेरे से शेयर नहीं हो रहा। अब मैं आपको, वैसे आपको समझ तो आ ही गया ना जो मैं आपको बता रही थी? हाँ समझ क्या गए। दिक्कत आ रही है मैम? कौन सी फाइल है मैम? खोलिए। ओके नहीं, मेरी फाइल वो खुल नहीं रही है। ठीक है, जो मैंने खोली हुई थी बस उसी से मैंने आपको बता दिया कि आपने सारे जो लेसन प्लान है वो उसी तरीके से बनाने हैं, चारों लेसन प्लान। ठीक है ठीक है मैम। ना, बस ये चारों कॉलम्स का मेन आपने इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है, चारों कॉलम आपके ऐसे बन गए। इस लिंक पे मिलेगा ये लेसन प्लान रचना उद्देश्य का? वो मैं आपको ऐसे करती हूँ, जो ये सारे जो लेसन प्लान है मैं बना के ना आपको, मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगी, सर आपको आगे फॉरवर्ड कर दें। ओके मैम, थैंक जैसे ये यू। बनाया ना मैंने व्याकरण का शॉर्टकट, ऐसे ही मैं यस आपको मैम, रचना का भी बना दूंगी, कविता का भी और गद्य शिक्षण का भी शॉर्ट में। तो बट फॉर्मेट आप उस पर देख सकते हैं जो इससे पहले लिंक सर ने आपको भेजा है। ठीक है, पर जहां पे प्रस्तुतिकरण है वहां पे आपने ये चारों कॉलम बनाने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज को आपने ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लेसन प्लान बनाने हैं। अभी आप कुछ और पूछना चाहते हैं किसी लेसन प्लान के बारे में, या कल जो हमने करे थे उसके बारे में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये मेरी तरफ से चारों लेसन प्लान आपसे कंप्लीट हो गए। छान सांगितली मॅडम, हाँ जी सर, मेरी क्लास हो गई है, इनको लेसन प्लान चारों बता दिए, कुछ और बताना था मुझे बता सकते हैं? सभी बच्चे एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें, सभी लर्नर्स अपना वीडियो ऑन कर लें एक बार, एक स्नैप हो जाए। मैम आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें। हाँ जी, राखी पूजा प्लीज आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें। लाइट ऑन।
ओके मैम। हाँ जी मम्मा को पाउडर पड़ा है पता नहीं बेटा मुझे पहले वो था बड़ा।